हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतूज कुकिंग हब। आज मैं बनाने जा रही हूँ बसंत पंचमी स्पेशल बंगाली थाली। ये थाली दुर्गा पूजा में बंगाल के पंडालों में प्रसाद के तौर पर मिलती है। इस थाली में बंगाल की बहुत ही यूनिक मिक्स्ड वेज यानी लाबड़ा की सब्जी भी बनाने वाली हूँ। इसके अलावा मैंने बनाया है बंगाली स्पेशल खीर, पोस्तो आलू दम की सब्जी, टमाटर खजूर की चटनी, बैगन भाजा, पनीर की सब्जी, पत्ता गोभी की सब्जी, पूरी और बंगाली भोग खिचड़ी। इस थाली में मैंने मालपुआ भी बनाया है फ्रेंड, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं। तो चलिए हम लोग इस रेसिपी को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे लाबड़ा की सब्जी। लाबड़ा की सब्जी में फ्रेंड बहुत सारे सब्जियां डाली जाती हैं, जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल हो आप डालें। इसमें मैंने लिया बैगन, पत्ता गोभी, गोभी, कुंदरी, परवल, बीन्स लिए हैं मैंने ऐसे लंबे टुकड़ों में कट करके, केला लिया है, परवल लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आलू लिया है और एक बंच पालक भी लिया है फ्रेंड, जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में पालक को कट कर लिया है। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में मैंने 5 बड़े चम्मच तेल लिए है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है पंचफोड़न, 4 लाल मिर्च लिया है मैंने। अभी मैं इसमें कुछ सब्जियों को पहले फ्राई करूंगी, जिसमें मैंने लिया है अभी गोभी, परवल, आलू। पहले हमें इन सब चीजों को भून लेना है। भूनने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है ड्रमस्टिक, बीन्स, कुंदरी, बैगन, केला। यहाँ पे मैंने गाजर भी लिया है एक, पत्ता गोभी लिया है मत्था मैंने 1 कप के करीब, टमाटर 2। अभी हमें इन सब सब्जियों को लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनना है। और सब्जियां अभी आधी भून चुकी है, तो इस टाइम पे हमें पालक को डाल के इसे ढक देना है। और अभी आप देख सकते हैं कि पालक और सब्जियां थोड़ी थोड़ी हमारी पकने लगी है, तो हमें ऐसे ही इसे ढक ढक के पकाना है। इस सब्जी में हमें पानी ऐड नहीं करना है। और अभी सब्जियां अच्छे से भून चुकी है, तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा चम्मच अदरक, एक छोटी चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर। अभी हमें इन मसालों को डाल के इसे अच्छे से भून लेना है। आप चाहे तो इस सब्जी में फ्रेंड नारियल भी यूज कर सकते हैं ग्रेट करके। यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है। और अभी मैं इसे ढक ढक के ऐसे ही पका लूंगी। और अभी आप देख सकते हैं कि सब्जी लगभग पक चुकी है, थोड़ा सा इसमें ऐसा पानी जैसा दिख रहा है, तो हमें इसे खुले ही ऐसे भून लेना है ताकि सब्जी हमारी अच्छे से भून जाए और ड्राई हो जाए। तो इस टाइम पे मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल दिया है इसमें। और ये हमारी लाबड़े की सब्जी रेडी है। अभी मैं बनाऊंगी टमाटर और खजूर की चटनी। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन में मैंने 1 छोटी चम्मच लिया है धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इन सब चीजों को हमें ऐसे ही रोस्ट कर लेना है। मसाला हमारा भुन चुका है, तो इसे निकाल लिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है। तेल में मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच पंचफोड़न डाल दिया है। दो तेज पत्ता, 1 लाल मिर्च। थोड़ी देर आप इसे भून लें ताकि तेल में इसका फ्लेवर आ जाए। और अभी मैंने यहाँ पे लिए 6 बड़े टमाटर, जिसे मैंने मोटे टुकड़ों में कट किया है। इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है।
आधी छोटी चम्मच नमक लिया है मैंने। नमक को डाल के आप इसे ढक दे ताकि ये अच्छे से पक जाए। और अभी 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, टमाटर आप देख सकते हैं कि अच्छे से पक चुका है। तो इस टाइम पे हमने जो मसाले भुने हैं उसे मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है 6 खजूर जिसे ऐसे लंबे टुकड़ों में कट किया है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम लिया है गुड़ जिसे बारीक कट कर लिया है मैंने। अभी हमें इन सब चीज़ों को डाल के 4 से 5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए और उसके साथ में ये टमाटर पक जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चटनी हमारी तैयार है। तो इस टाइम पे मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, किशमिश और नारियल। इन सब चीज़ों को हमें डाल के मिक्स कर देना है और ये हमारी चटनी रेडी है। अभी हम लोग बनाएंगे खिचड़ी। खिचड़ी तो बहुत बनाया है मैंने, लेकिन इस खिचड़ी में जो टेस्ट है वो मुझे फर्स्ट टाइम फील हुआ है। तो चलिए इस स्वादिष्ट खिचड़ी को बनाते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने 1 कप मूंग की दाल और 1 कप गोविंद भोग राइस। ये चावल में बहुत अच्छी खुशबू होती है फ्रेंड, खीर भी हम लोग इसी चावल का बनाते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में मैंने 4 बड़े चम्मच तेल लिए हैं। 1 से 2 कप मैंने यहाँ पे गोभी लिया है। 1 बड़े साइज का आलू लिया है जिसे मैंने मोटे टुकड़ों में कट किया है। इसे आप फ्राई करके अभी रख दें, इसे हम बाद में खिचड़ी में ऐड करेंगे। और अभी मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ी कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच तेल, 1 छोटी चम्मच जीरा। और दाल को मैंने धो के रख दिया था ताकि उसका पानी पूरा सूख जाए। तो यहाँ पे अभी हमें दाल और चावल को भून लेना है। दाल और चावल को 4 से 5 मिनट तक भून लेना है हमें। और इसे एक प्लेट में आप निकाल लें पहले। और अभी मैंने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में मैंने फिर से 1 बड़े चम्मच तेल लिए हैं। तेल में मैंने यहाँ पे लिया है 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता। यहाँ पे मैंने लिया है 2 छोटे साइज का टमाटर, इसे हमें भून लेना है। टमाटर के भून जाने पे मैंने यहाँ पे लिया है अदरक 1 बड़ा चम्मच, 1 छोटी चम्मच। इसके भून जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सब मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। आप चाहे तो धनिया भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड, मैंने स्किप किया है। मसाले के भून जाने पे हमने जो अभी चावल और दाल को फ्राई किया है हमें उसको इसमें ऐड कर देना है। आप चाहे तो दाल और चावल को भी इसमें फ्राई कर सकते हैं, पर पहले फ्राई करने से एक अलग सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट तक फिर से मसालों में दाल और चावल को भून लिया है। और अभी मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप पत्ता गोभी, 1/2 कप मटर, 1/2 कप बीन्स। इन सब चीज़ों को भी डाल के हमें 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। और अभी सब कुछ भून चुका है तो इस टाइम पे मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। पानी याद रखें फ्रेंड, हमें एक पहले से ही गर्म पानी कर लेना है। और खिचड़ी में जैसे जैसे ज़रूरत हो पर आप इसमें गर्म पानी ही डालें, नमक स्वाद अनुसार। खिचड़ी के आधा पक जाने के बाद हमने जो आलू और गोभी फ्राई किए हैं वो भी डाल के हमें खिचड़ी को पका लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गोभी और आलू भी ऐड कर दिया था और खिचड़ी हमारी रेडी है। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच घी ऐड कर दिया है ताकि खिचड़ी और भी टेस्टी हो जाए। और आप देख सकते हैं कि खिचड़ी काफ़ी अच्छी बनी है हमारी और सब्जी भी पूरी खड़ी खड़ी है। अभी हम लोग बनाएंगे आलू मटर दम पोस्तो। पॉपी सीड को पीस के इसमें डाला जाता है इसलिए इसका नाम आलू दम पोस्तो है। आलू दम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए 2 बड़े चम्मच पॉपी सीड, 10 से 12 काजू,
चार पांच हरी मिर्च, इन सब चीजों को हमें पेस्ट बना लेना है। यहाँ पे मैंने लिया है 10 से 12 छोटे साइज की आलू, जिसे मैंने छील के और क्लीन कर लिया है। कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 5 बड़े चम्मच तेल लिए हैं और आलू को हमें इसमें अच्छे से फ्राई करना है। आलू को आप ढक के भी फ्राई करें, क्योंकि ये खड़े आलू है तो इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे आलू फ्राई हो चुका है तो मैंने इसे अभी एक प्लेट में निकाल लिया है। और कढ़ाई में अभी 4 चम्मच तेल है तो मैंने उसमें अभी 1 बड़ा चम्मच जीरा लिया है, 1 लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता। जीरा के चटक जाने पे यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर को कट करके डाला है, इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। टमाटर हमारे अच्छे से पक चुकी है तो इस टाइम पे मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है। एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर। इन मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। मसाले के भूनने के टाइम पे ही मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। और अभी जो हमने यहाँ पे पॉपी सीड और काजू का पेस्ट बनाया है उसे डाल के भी हमें 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। और आप देख सकते हैं मैंने इसे ढक के भुना है और तेल कितना अच्छा ऊपर आ गया है, मतलब हमारा मसाला एकदम अच्छे से भून के रेडी है। तो इस टाइम पे मैंने यहाँ पे 1 छोटी कटोरी ले ली है मटर, मटर को डाल के 1 से 2 मिनट तक भून लिया है। और इस टाइम पे मैंने यहाँ पे आलू को ऐड कर दिया है। आलू को ऐड करने के बाद भी आप इसे अच्छे से भून ले। और अभी हमारा आलू और मटर सब कुछ अच्छे से पक चुका है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है। पानी आप अपने हिसाब से डालें जितनी ग्रेवी की आपको जरूरत है। और यहाँ पे हमारा आलू दम पोस्तो बिल्कुल रेडी है। तो लास्ट में यहाँ पे आप 1 छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड कर दें। अभी हम लोग बनाएंगे पत्ता गोभी आलू की सब्जी। पत्ता गोभी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल। तेल में मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच पंचफोरन डाल दिया है, 2 लाल मिर्च, 2 मीडियम साइज के आलू को मैंने छिलके के साथ ही छोटे टुकड़ों में कट करके डाला है, इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। आलू अभी फ्राई हो चुकी है तो इस टाइम पे मैंने यहाँ पे डाला है 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। इसे हमें अच्छे से भून लेना है। मसालों के भून जाने के बाद मैंने यहाँ पे 1 बड़े साइज का टमाटर लिया है, जिसे छोटे टुकड़ों में कट किया है, उसे भी डाल के हमें अच्छे से मसालों के साथ भून लेना है। और अभी मसाले भून चुके हैं तो मैंने यहाँ पे 1/2 kg के कड़ी पत्ता गोभी लिया है, जिसे ऐसे लंबे टुकड़ों में कट किया है, इसे डाल के हमें लो मीडियम फ्लेम पे पका लेना है।
इसे आप बीच बीच में ढक के भी पकाएं फ्रेंड, पत्ता गोभी से खुद ही पानी आएगा और हमारी सब्जी अच्छे से पक जाएगी। और अभी सब्जी आधा से ज़्यादा पक चुकी है, तो इस टाइम पे मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद आप इसे खुले ही पकाएं। और अभी यहाँ पे सब्जी रेडी है, तो इस टाइम पे मैंने थोड़ा सा धनिया की पत्ती ऐड कर दिया है, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। इन सब चीज़ों को डाल के एक मिनट तक बस पका लें आप। और यहाँ पे पत्ता गोभी आलू की सब्जी रेडी है। अभी हम लोग बनाएंगे पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे लिया है मैंने हाफ हाफ कैप्सिकम, ग्रीन, रेड और येल्लो, 200 ग्राम पनीर और दो बड़े साइज का टमाटर लिया है, जिसे पीस के मैंने एक पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 3 बड़े चम्मच तेल लिए हैं, 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा के चटक जाने पे मैंने यहाँ पे टमाटर को डाल के टमाटर को अच्छे से भून लिया है। मैंने 1 बड़ा चम्मच अदरक को ग्रेट करके इसमें डाला है। अदरक के भून जाने पे 1 बड़ा चम्मच लिया मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर। मसाले को भी हमें टमाटर के साथ अच्छे से भून लेना है। नमक स्वाद अनुसार। मसालों को आप थोड़ा सा ढक के भी भूनें। और अभी मसाला भून चुका है, तो इस टाइम पे मैंने यहाँ पे कैप्सिकम को डाल दिया है। कैप्सिकम को डाल के हमें 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। दो से तीन मिनट हो चुके हैं और हमारा कैप्सिकम पक चुका है, तो इस टाइम पे मैंने यहाँ पे पनीर को ऐड कर दिया है। पनीर को डाल के आप सिर्फ मिक्स कर ले फ्रेंड, इसे भूनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हमारा पनीर टूट जाएगा। और अभी मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। पानी आप अपने हिसाब से रखें फ्रेंड, जितनी ग्रेवी की आपको जरूरत है। और हमारा पनीर की सब्जी अभी रेडी है। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया है। और आप इसे 1 मिनट पका लें और पनीर बिल्कुल रेडी है हमारा। अभी हम लोग बनाएंगे खीर। खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है 1/2 कप गोविंद भोग राइस। राइस को आप धो के रख दें। और यहाँ पे पैन में मैंने लिया है 750 ml मिल्क। मिल्क को हमें अच्छे से बॉयल कर लेना है। मिल्क के बॉयल हो जाने पे मैंने यहाँ पे चावल को ऐड कर दिया है। चावल को ऐड करने के बाद लो मीडियम फ्लेम पे आप इसे पका लें। इसे बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये चिपके नहीं। और 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे राइस एकदम पक चुकी है, तो इस टाइम पे मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे डाल के भी आप पकाएं ताकि गुड़ इसमें मेल्ट हो जाए। गुड़ के साथ मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर भी ऐड किया है, आधी छोटी चम्मच छोटी इलायची पाउडर। इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर दें और हमारा खीर रेडी है। अभी हम लोग बनाएंगे बैंगन, केले और करेले का भाजा। यहाँ पे मैंने बैंगन
केले को लंबे पीसेज में कट किया है और करेला लिया है। इसके ऊपर मैंने नमक डाल दिया है, हल्दी आधी छोटी चम्मच, मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच, अदरक का पेस्ट लिया है मैंने आधी छोटी चम्मच। इन सब चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करके इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट हो चुके हैं और पैन में यहाँ पे मैंने तेल लिया है और बैंगन, केला और करेला को डाल के इसमें हमें फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो इसमें परवल, भिंडी, इन सब चीज़ों का भी भाजा बना सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों का भाजा भी पंडाल में दिया जाता है। और जब बैंगन हमारा सब कुछ पक चुका है तो मैंने ऊपर से तिल इस पे छिड़क दिया है, ताकि हमारा तिल जले भी नहीं, साथ में वो चिपक भी जाए। और इसे ऐसे ही हमें पलट के पका लेना है। और ये हमारा भाजा रेडी है। और यहाँ पे हमारी बंगाली खिचड़ी थाली रेडी है। तो आप इसे सरस्वती पूजा या दुर्गा पूजा में बनाएं और भोग लगाएं, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी ये थाली की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।